हे गाइस, तो मैं आज बनाने जा रही हूँ, क्या बनाने जा रही हूँ गाइस, तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा टाइटल पर से, आप लोगों को पता चल ही गया होगा। तो गाइस, मैं बनाने जा रही हूँ खस्ता नमकीन, जो बनता है मैदा से। तो गाइस, कुछ और से भी बनता होगा पर मैदा से सबसे अच्छा बनता है। और गाइस, मैंने ले लिया है मैदा, और उसमें मैंने थोड़ा सा अजवाइन डाल लिया क्रश करके, और ये है काला जीरा, और मैंने थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल रख लिया गाइस। तो आप चाहे तो और भी रिफाइंड ऑयल रख सकते हैं, मगर मैंने थोड़ा सा इसलिए रखा ताकि ज़्यादा खस्ता ना हो जाए, और ज़्यादा खस्ता होगा तो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो नॉर्मल खस्ता वाला हम लोग बनाएंगे, जो ज़्यादा भी नहीं लगेगा और बहुत स्वादिष्ट बनेगा। और गाइस, मैं एक चीज़ भूल गई, तो मैंने इसमें नमक भी मिला दिया है, और मैं बस जस्ट थोड़ा सा बना रही हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, ट्राई करने के लिए। अगर मेरा अगर गलत भी हो जाए बनाने में तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं सबसे पहले थोड़ा सा बना के दिखाऊंगी। और गाइस, मैंने बनाया, और मैं जब अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैं खा भी चुकी हूँ, और बहुत टेस्टी बना था गाइस। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा, और ऐसे ही खाइएगा शाम का नाश्ता में, या आप सुबह भी खा सकते हैं। और गाइस, पूरा चिपक रहा था तो मैं इसे छुरा के रही थी, और मेरा ये गुन के तैयार हो गया। तो मैं हम थोड़ा सा ले लेंगे मैदा, उसको उसमें मैंने इसको अच्छे से साफ़ कर लिया है, और साफ़ ही था गाइस, इसको थोड़ा सा साफ़ करना था। और मैं इसे अब दो टुकड़ों में कर दूँगी, और इसे अच्छे से हम लोग गोला बना लेंगे। उसके बाद हमको क्या करना है गाइस, बेलना है इसको। तो हम लोग इसे बेलेंगे अच्छे से। और आपको लग रहा होगा कि मैंने मैदा थोड़ा ज़्यादा लगा दिया, तो नहीं, ज़्यादा नहीं लगा है। और आपको पता है कि मैदा थोड़ा ज़्यादा पानी डालने से बहुत जल्दी गीला टाइप से हो जाता है, तो मैंने एकदम परफेक्ट बनाया था, गीला भी नहीं था। और अब इसे हम थोड़ा टेढ़ा शेप में कट करेंगे गाइस। तो इस तरीके से मैं कट कर रही हूँ, और आप लोग चाहे तो आप अलग डिज़ाइन में भी बना सकते हैं, बहुत तरीके का डिज़ाइन बनता है। तो आप लोगों ने कई बार खाया भी होगा, तो मैंने भी खाया है बहुत बार, तो मुझे बहुत पसंद है ये। और इस तरीके से मैंने कट कर लिया, अब करेंगे इस साइड से कट करेंगे। तो गाइस, मेरा ज़्यादा तो ट्रेंकल्स जैसा नहीं बना, मगर जो भी बना वो बहुत अच्छा बना है, मुझे हंसी भी आ रही है। तो गाइस, इस तरीके से काट लें। सेम वही प्रोसेस में इसको बेलेंगे, और राउंड करके। तो गाइस, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और बिल्कुल ही कम टाइम में बनता है गाइस, ये 5 मिनट। तो गाइस, इसको फ्राई करने के लिए हम लोग कढ़ाई चढ़ा लिए, और कढ़ाई में मैंने रिफाइंड ऑयल रख दिया। आप चाहे तो सरसों का तेल भी डाल सकते हैं, तो मैंने इसमें डाल के, और इस तरीका से हमें फ्राई करना है। तो गाइस, ये टेढ़ा मेरा हो जाएगा, मगर उसका फिक्र मत करिएगा, ये खुद ब खुद ठीक भी हो जाता है। मतलब फ्राई होते होते इसका जो डिज़ाइन होता है वो वापस आ जाता है। तो हम लोग इस तरीके से ही फ्राई करेंगे। और गाइस, ज़्यादा फ्लेम में नहीं करना है, मीडियम फ्लेम में करना है, क्योंकि ज़्यादा फ्लेम में करेंगे तो कच्चा रह जाएगा और पकेगा भी नहीं। तो इस तरीके से फ्राई। तो गाइस, देखिए इसका कलर कैसे चेंज होने लग गया, और ये बनके पूरा तैयार हो चुका है। तो इसे हम लोग एक इसमें निकाल लिए हैं। तो गाइस, मैंने इसमें निकाल के आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो गाइस, देखिए बहुत अच्छा बन चुका है, और मैंने दूसरा पार्ट जो था वो भी डाल दिया, तब दूसरा जो बचा हुआ था वो फिर से मैंने डाल दिया, और इसे इसी तरीक़े से फिर से फ्राई कर लेंगे। और गाइस, हमारा ये बनके तैयार हो चुका है, और बहुत ही अच्छा, आप इसे शाम के नाश्ते में खा सकते हैं। गाइस, देखिए बनके कितना। तो गाइस, बाय, और अपना ख्याल रखें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना।